नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठ ज्ञान में। दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब इस धरती पर जो युग चल रहा है उसको कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है जिसका मतलब है क्लेश या अंधकार का युग, जहां चारों तरफ बस अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कलयुग इतना बुरा है तो भगवान ने इसे बनाया क्यों? तो सुनिए, परिवर्तन ही इस धरती का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत सृष्टि बनाई थी। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा कोई भी चीज़ नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है, चाहे वह इंसान हो या कोई वस्तु या फिर सृष्टि ही क्यों न हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरे विचारों और नकारात्मक सोच ने उसको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के धरती लोक से वैकुंठ धाम जाने के बाद ही हो गई थी। उस वक्त द्वापर युग समाप्त हो गया था और कलयुग धरती पर अपने पैर पसारने लग गया था। इससे संबंधित हमारे सनातन ग्रंथों में कलयुग और राजा परीक्षित की एक कथा भी प्रचलित है। चलिए उस कथा का भी श्रवण करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का भी धरती पर मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना साम्राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ पांचों भाई हिमालय चले गए। पांडवों की यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला और उनके राज से प्रजा काफ़ी खुश भी थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। यह देख वहां पर धर्म रूप में बैल आए जिनके केवल एक ही पैर था। वे पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो? क्या इसलिए क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर शेष है, या फिर इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई ने पैर पसार लिए हैं? यह बात सुनकर धरती माता बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे, जिससे मैं भी स्वयं को भाग्यशाली समझती थी। लेकिन अब श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म रूपी बैल और धरती माता के रूप में गाय आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में वहाँ असुर के भेष में कलयुग आ गया और दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और वे उसी जगह पहुँचे जहाँ कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह देख राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, मैं अभी तुझे मृत्युदंड देता हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ उसको मारने के लिए दौड़े। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उसका अंत कर देंगे, उसने अपने सभी आभूषण और मुकुट उतारे और राजा परीक्षित के कदमों में आकर क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमा दान दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि तू दरिद्रता, अधर्म, पाप और कपट आदि का मूल कारण है, मेरे राज्य से निकल जा, कहीं और जाकर वास कर और फिर लौट कर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ऐसी कोई जगह ही नहीं है इस धरती पर जहां आपका राज न हो। मुझे अपने राज में कोई भी जगह दे दीजिए, मैं वहीं वास करूंगा, अन्य कहीं नहीं। यह बात सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहां भी असत्य, काम, क्लेश होगा वहां तेरा वास होगा, तू वहीं रहेगा। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, आप मुझे और स्थान भी प्रदान करें। ये बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी। स्थान मिलने के बाद कलयुग वहां से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण से बने मुकुट पर विराजमान हो गया और वहीं वास करने लगा। और इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ और धीरे धीरे संपूर्ण धरा पर इसने अपना अधिकार फैला लिया। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।